तो फाइनली मैं पहुंच गया सुपर ग्रो। पहले मैंने फ्लावर डूम देखा, उसके बाद क्लाउड फॉरेस्ट, और ये अब मैं आया हूँ आज के फाइनल डेस्टिनेशन सुपर ग्रो ट्री के अंदर। ये वीडियो उसी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जो मैंने एक ही दिन में तीन अलग अलग देखे थे। वीडियो लंबा ना बन जाए इसीलिए मैंने उसको तीन अलग अलग पार्ट्स में अपलोड किया है। तो आओ आपको मैं अब सुपर ग्रो ट्री दिखाता हूँ। यह पूरा स्काई वॉक पूरा, मतलब इस पेड़ से लेके उस पेड़ तक का शायद 1000 या 700 रुपये के आसपास है इसका। रात में सब लेज़र लाइट वगैरह होती है तो देखेंगे आज शाम को या कल शाम को। आज मेरा शायद ऑर्चिड टूर जाने का है तो वो देखते हैं। ये भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम ऐसे लग रहा कुछ जैसे कुछ है ही नहीं, इसे लग रहा जैसे रावण का पुतला सा बना देते हैं झाड़ झाड़। लेकिन रात को दिखाऊंगा ना बहुत अल्टीमेट लगता है यार, ये पूरे इसमें लाइट वाइट होती है तो, और मोस्टली सारे ऑर्चिड के प्लांट्स हैं ये। और ये स्काई वॉक भी रात को देखते हैं। ऑब्जर्वेटरी तो ये है पूरा सुपर ग्रो, ये देखो तो बैठे हैं उधर, थक गए यार चलते चलते आज तो। If it starts to rain, you have to leave immediately. Sorry? If it starts to rain, yeah. You have to leave immediately. Yeah, sure. Thank you. Thank you. ये आया $8 का, और मुझे साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर बारिश होए तो लीव इमीडिएटली। ठीक है भाई, बारिश में चले सिखा रहे शौक हमें भी नहीं है, अगर आए हैं तो सेकंड फ्लोर में चलते हैं देखते हैं। मास्क वाला भी इतना पंगा आया यार, मास्क एक मिनट हटा लो ना फोटो खींचने के लिए, तो आ जाते हैं रोलने के लिए मास्क करके प्लीज। लेफ्ट स्टार्ट करो, चलो सर आगे। वाओ वाओ, ये है स्काई वॉक। तो ये है स्काई वॉक। ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है, कोई विंडो पे बंदा नहीं है, और $8 इसकी है एंट्री। तो अच्छा है, मौसम बढ़िया यार, अगर आए हो ना
तो एक बार देख लो, बार बार दोबारा आने का चक्कर मत रखो। और इतना पैसा लगा यार, थोड़ा और लगेगा, लेकिन ये हो गया ना, एक बार गए चीज़ फिनिश करके आए। देखो हम लगभग 这个门路刚上了，那个门是哎，好，其实这里，这个工作室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 ，这
वो क्रूज भी है यहाँ पे। मौसम थोड़ा ख़राब ही हो रहा है, बारिश का ऐसा मौसम है, तो यार चलते हैं लिटिल इंडिया, डोसा वोसा खाते हैं, भूख भी लग गई। दोनों साइड से आप एंट्री कर सकते हो, दोनों साइड से आप जा सकते हो लिफ्ट। यार ऑर्चर्ड की इतनी वैरायटी है ना भाई यहाँ पे, पूछो मत। मौसम बहुत सही है अभी यार, बारिश होने लग गई, टाइम पर नीचे निकल लेते हैं क्योंकि उसमें बोल के भेजा था कि बारिश आए तो भैया पीछे आ जाना, तो आती है आप लोग, तो चलते हैं। तो फाइनली आज गार्डन बे बाई बे लगभग हो गया। ये तीनों चीज़ें मैं पहली बार छोड़ गया था, तीनों चीज़ें कर ली। अगर तीनों करोगे ना, फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट और ये ओबीसी वॉक, तो आपको 28+8 36 जो है तकरीबन सिंगापुर डॉलर लगेंगे। और अभी तक ऑनलाइन है या कोई चक्कर नहीं, आप हैंड टू हैंड ऑनलाइन बुक कराओ, स्लॉट मिल जाते हैं, लोग ही नहीं है, पूरा खाली है, तो ऐसा कुछ नहीं अभी फ़िलहाल, तो आगे का आगे देखेंगे। ये एक फ्लावर डोम है और एक शायद क्लाउड फॉरेस्ट है, ऐसा ये शायद ये ऊंचे वाला क्लाउड फॉरेस्ट है और ये फ्लावर डोम है। ये ऊपर से दिखाना निकला हुआ, ये पहाड़ तो बना रखा लोगों ने। अब ऐसा मौसम खराब हो लिया, निकल जाते हैं, बेटर रहेगा। तो चलते हैं नीचे वापस, ये मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा, ये पूरा हो गया। चलो भाई लिफ्ट भी आ गई,
बंद हो गई। हम जाए तो ऐसा ऐसा मौसम बन गया। क्या सही मौसम है यार। ये था सुपर ग्रोटरी। ये टिकटिंग विंडो जो फिलहाल बंद है, सामने QR कोड। अभी कोई आदमी नहीं है, आराम से पाना। जब पूरा खुल जाएगा दुनिया तब शायद स्लॉट स्लूट के चक्कर फंसेंगे। बस ये है इस पेड़ से घूम के वहाँ। चलो माटी लेते हैं और चलते हैं लिटिल इंडिया। बहुत घूम लिया, अब पेट पूजा करते हैं। ये माटी भाई, मौसम बहुत अल्टीमेट हो गया। ये देखो सुपर हीरो, अब मैं माटी ढूंढ रहा हूँ। ये पता नहीं कौन से कोने में घुसा के बनाई है। ये वाली है क्या?